बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 1 पार्ट 7 हम करेंगे और इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को 3 इक्वेशंस गिवन है, एक्स ये 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, लेकिन इसमें वेरिएबल 2 है। इससे जो पार्ट 6 में मैंने किया वहाँ पर मैंने 2 इक्वेशन ली थी और वेरिएबल 3 थी। यहाँ पर वेरिएबल 2 है लेकिन इक्वेशन 3 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें आप अपनी मर्जी से 2 इक्वेशन उठा लोगे, उससे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 2 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 2 इनटू x माइनस 2 y इज इक्वल टू 2 इनटू 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 y इज इक्वल टू 6। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब इस तरह करो, सब्ट्रैक्ट equation 2 from 4, equation 2 from 4 separate करो, तो ये आप लोग देख सकते हैं जो equation 4 है 2x minus 4y is equal to 6 and 2x plus 3y is equal to 13। जब इसकी मैं सब्ट्रैक्शंस करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे। अब ये 2x इसके साथ कैंसिल हुआ, ये माइनस 4y माइनस 3y से माइनस 7y आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस 7। अब इसको माइनस 7 पर डिवाइड करो तो y इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाई माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब इसको फुट करो यूजिंग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यूज करो किस लिए कि हमें x की वैल्यू चाहिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो y की जगह 1 फुट करो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, तो x बन जाएगा 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। दिस इज x, दिस इज y। अब हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है? ये x इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 1 अगर हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे ये तो सेटिस्फाइड होता है, लेकिन इसके साथ जो थर्ड इक्वेशंस गिवन है हम उस पे भी चेक करेंगे कि ये इन वैल्यूज को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 लो, यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कौन सा है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 27, तो यहाँ आप लोग x की जगह 5 पुट कर सकते हैं और y की जगह 1 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 इज इक्वल टू 27, 27 इज इक्वल टू 27। तो ये थर्ड इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी यूनिक सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन एग्जिस्ट है और इस सॉल्यूशंस को यूनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। तो समझ आ गई? इस तरह अगर आप लोगों को मतलब 3 इक्वेशंस गिवन है और 2 वेरिएबल है तो आप इसको कैसे चेक करोगे? इस तरह आप अगर इक्वेशंस आपके पास 10 है और 2 वेरिएबल है तो आप लोग 2 इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड करोगे एक्स और वाई की, और बाकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हर इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। अगर सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, सारे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट है। लेकिन अगर उसमें एक ही सोल्यूशन, एक ही इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो वो आप उस इस सिस्टम का सोल्यूशन आप लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की 2 इक्वेशंस पे और 3 वेरिएबल थे।
इक्वेशंस थे टू वेरिएबल पे। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ चुकी होगी।